मॉर्निंग गाइस, तो दिखाते हैं आपको ब्लैक की एलेक्सा और लक्की बॉय को। देखो खेल रहा लक्की बॉय एलेक्सा के साथ पीछे, और ब्लैक ही मेरे साथ ही रहती है। कहाँ गई? वो भी वहीं पहुँच गई। तो इनकी थोड़ी सी मस्ती दिखाते हैं, और तुम्हें आज दिखाऊंगा मैं अपने घर पे मेरे जो पैट्स हैं उन्हें, कौन कौन से पैट्स हैं। तो वीडियो देखते रहना आगे तक, तो मैं अपने पैट्स दिखाता हूँ जो घर पे है मेरे। फिलहाल इनकी मस्ती देखो तुम। ये रहा लक्की बॉय, लक्की बॉय को देखो कितनी शैतानी हो रहा है। इसकी मदर और ये दोनों एलेक्सा को परेशान कर रहे हैं। देखो इसकी मस्ती देखो कितना शैतान हो रहा है, देख लो कितना शैतान हो रहा है। लक्की बॉय, ब्लैकी, एलेक्सा, तीनों शैतानी कर रहे हैं। एलेक्सा बंदी पड़ी है, कॉलेज के लिए रखी है, उसकी जैकेट ख़राब कर देती है। तो तुम्हें आज घर पे दिखाते हैं, फिलहाल इनकी मस्तियाँ देखो तुम। एलेक्सा फुल घूम गया है, इसने लपेट लिया, गर्दन अपनी इसने घुमा लिया, पर सीधी कर लेगी। ब्लैकी ने परेशान हो गई, ब्लैकी हटो, चलो हटो। अब होगी देखो सही, अपने आप सही होगी निकल के। ये लक्की बॉय आ गया हमारे पास, देखो लक्की बॉय कम, देखो लक्की बॉय को ये बाहर निकाल लो, थोड़ा सा घूम फिर ले। किसी को चाहिए तो बता देना भाई। पिटबुल पप्पी गुड क्वालिटी मेल, देख लो ये ऊपर का नहीं खा रहा कुछ भी, फिलहाल अपनी मदर का दूध ही पी रहा है। खाता कम है, ऊपर का से खिलाना सिखाना पड़ेगा। तो देख लो पिटबुल पप्पी, लक्की बॉय जाओ गो, अभी खेलेगा है। अभी खेलेगा है। इसकी मदर आ गई है। तो चलो तुम्हें घर पे जाके दिखाते हैं अपने पेट्स, फिर काफ़ी बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। घर पे जाके दिखाते हैं, मैंने फिश रखी हुई है और बजी पैरट है मेरे पास, कुछ मेरे बर्ड्स हैं उन्हें दाना डालता हूँ, वो भी आ जाते हैं मेरी छत पे। वैसे तो वाइल्ड हैं पर उन्हें पैट ही कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें रोज़ दाना डालता हूँ तो आ जाते हैं, डरते नहीं इतना। तो चलो आपको घर चल के दिखाते हैं आज। देखो गाइस, ये मेरी फिशेज हैं, घर पे रखी हुई हैं। टू ब्लैक शार्क हैं, टू वाइट शार्क हैं, एक टिन बिल बार है, ठंड और ये और मर गई हैं, पर ये काफ़ी पुरानी फिशेज है मेरी। हीटर चल रहा है इसमें, ये हीटर चल रहा है, ये रेड बत्ती जल रही है, इसमें फिल्टर है, और इन्हें खाना डालते हैं, दिखाते हैं इनका दाना, ये डालते हैं अभी। एक ढक्कन भर के इन्हें डालते हैं, देखना इनका रिएक्शन। डाल दिया दाना ऊपर, अब देखना कैसे खाती है। देख लो फीडिंग कर रहे हैं, देखो ना दाना खाते हुए, काफी बड़ी हो गई है ब्लैक वाली सार। हम अपने पैरट्स भी दिखाते हैं, व्यूअर्स ये मेरे पैरट्स हैं, ये बिल्कुल बंद हैं, इन्हें दिखाते हैं आज थोड़ा सा खोल के। ये रे ठंड बहुत है, ये वाइट है, वो ग्रीन है, एक येलो है, ये दो पैर थे,
दोनों मटकियों में रहते थे, एक का पे मेल मर गया है, उसके अंदर एक येलो कलर का थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, एक ग्रीन, दोनों फीमेल है अंदर रहती हैं, ये वाइट मेल है। तो इनका दाना पानी बदलते हैं, फिर इन्हें रख देते हैं, ये ठंड से बचाने पड़ रहे हैं। देखो कितने प्यारे हैं मेरे दोनों पैरेट्स, मतलब तीन पैरेट हैं इसमें, एक मेल है दो फीमेल है, और अब तीनों एक ही मटकी में अंदर, नहीं लड़ते ना कुछ। इस एक मेल से दोनों ने जोड़ा लगा लिया, जो दो फीमेल अंदर, उसका एक मेल मर गया था इसलिए। देखो कैसा है कूद के कैमरे के सामने बिल्कुल ये बहुत अच्छा लगता है मुझे वाइट वाला। एक बिल्कुल येलो है वो अंदर है फीमेल, एक ये ग्रीन और येलो फेस की फीमेल है जो अंदर है, जिससे खाना मांग रही है। तो इससे खाना दिलाएंगे भाई। भैया मैं एनिमल्स लवर हूँ, तो ये ग्रीन फीमेल है बाहर आ गई है, येलो भी आएगी अभी, ऐसा खाना मांगने के लिए कर रही है, खाना मांग रही है। तो अभी दिखाते हैं आपको ये खाना इसे देगा। इनका दाना पानी बदलते हैं अभी थोड़ी देर में, पानी भी ठंडा हो रहा है। ये देखो ग्रीन फीमेल, और ये येलो दिख रही होगी आपको अंदर, वो बिल्कुल येलो है। ये दोनों नीचे आ गए हैं, येलो अंदर है, वो भी निकलेगी। मैं पीछे हट जाता हूँ थोड़ा, ये बिल्कुल ढक रखा है मैंने, कवर कर रखा था, उसमें अंदर येलो फीमेल बैठी है, ये वाइट है नीचे ग्रीन है। पेयर तो मेन ये है वाइट और ग्रीन का, वो येलो फीमेल भी पेयर लगा रही है ना इनसे अकेली है, इसलिए रेड आइज है। और शौक करो मेरे पैरट्स का, ग्रीन फीमेल देखो कितनी सुंदर फीमेल है, येलो हेड की बजी पैरट देखो। अब देखो पेयर इनका कितना सुंदर पेयर है, ये देखो पेयर, ये जोड़ा है ग्रीन और व्हाइट का, ये प्यार कर रहे हैं आपस में, येलो अंदर है, मुझे लगता है शायद इन्होंने अंडा दे दिया अंदर, पता नहीं दिया नहीं दिया, बैठी तो ऐसी है येलो। इनकी आवाज़ सुनो कितनी प्यारी है, ग्रीन अंदर चलेगी अभी येलो बाहर आएगी थोड़ी देर में, तो उसे भी दिखाएंगे जब बाहर आएगी। ये देखो गाइस येलो फीमेल दिखाता हूँ तुम्हें, अंदर है अगर दिखे तो बताना, काफ़ी सुंदर फीमेल है वो। ये तो ग्रीन है सामने, ये वाइट मेल है, ये इनका कंगनी दाना है खाने का, और इसमें इनके लिए गर्म पानी रखा है, ठंडा हो रहा था रात का पानी, अभी चेंज करा है। येलो दिखाता हूँ तुम्हें, थोड़ी सी इसकी टेल चमक रही है बस, वैसे नहीं दिख रही वो। वो जी देखो देखो कितनी क्यूट फीमेल है, वाइट चिन रेड आइज फुल येलो, गाल पे वाइट है, जैसे गाल पे वाइट निशान है बस उसके फेस पे। ये दोनों फीमेल साथ ही रहती है, लड़ती नहीं है, एक मेल है इसी से जोड़ा लगा रखा है, वरना इसका घर ही था येलो वाली का, दूसरे वाला ये घर था इसमें नहीं रहती, जब से इसका मेल मरा है उसी के साथ रहती है दूसरी फीमेल के, ये रश का घर पहला, तो इसमें नहीं रहती, उसमें रहती है येलो वाली के साथ, ग्रीन वाली के वाइट वाली के साथ मिलके। तो देख लो इन्हें वापस सब ढक देंगे, ऊपर से एक ही कपड़ा ढकूंगा जो थोड़ा उजाला लाइट का जाता रहे, और ये खाना खा लेते हैं इसमें, इन्हें ठंड ना लगे जो। तो गाइस बहुत केयर करनी पड़ती है सर्दियों में पैट्स की, देखो मेरे पास कितने सारे पैट्स हैं, फिशेज हैं, बजी पैरट हैं, और डॉग्स हैं, पर फिलहाल तुम्हें डॉग्स ही दिखाता हूँ क्योंकि डॉग्स लवर नाम से चैनल है, बनाता तो बहुत सारी वीडियो में। देखो यार लोग दिखाते हैं, अरे येलो उधर बैठी है, थोड़ी कम दिख रही हो,
चलो दिखाते हैं तुम्हें बाद में और भी। देखो व्यूअर्स, ये मेरा घर है, यहाँ अंदर मैंने पैरट्स रखे हुए हैं, नीचे फिश है और ये पिकॉक है। इसके लिए मैंने रोटी घेरी है सामने, ये रोटी खाने आया है। तो दिखाते हैं तुम्हें बहुत चीज़ों का शौक कराते हैं, क्या क्या चीज़ें रखता हूँ मैं, मतलब कितना प्यार करता हूँ जानवरों से, रख नहीं रखा। इसके लिए दाने और रोटी घेरी है थोड़ी सी, यहाँ पर देखो यदि रोटी के टुकड़े, मुझे देख कर शर्मा गया, थोड़ा सा पीछे चला गया, अभी आएगा यहाँ वापस जब दिखाते हैं तुम्हें। देख लो गाइस कितना सुंदर पिकॉक है, थोड़ा डर रहा है आने में पर आएगा, रोटी खाएगा। देखो ये रोटी खाएगा आके, इसके लिए रोटी डाली थी मैंने इधर टीन पे भी और सामने डाली है, दो मोर आ गए हैं। देख लो कितने सुंदर हैं, आप भी देख सकते हो, शायद इनका पेट भर गया दोनों का, तो अभी ये जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे पहले जंगल हुआ करते थे, अब जंगल नहीं बचे, तो बहुत सारे जीव ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल विलुप्त होने लगे हैं, तो हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। इतना सुंदर पक्षी है, देखो हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, हमारी इंडिया का राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो देखो इनका व्यू दोनों का, मेरी छत पर रोज आते हैं, इनके लिए दाना पानी रखता हूँ मैं, ये भी और पीजन्स भी, बहुत सारे पक्षी आते हैं यहाँ पे, पैरट्स भी आते हैं, तो इनके लिए दाना पानी रखता हूँ मैं रोज़। आपके लिए, आपके, आपको भी रखना चाहिए, अब सर्दी होने लगी है तो खाना नहीं मिलता पक्षियों को सही से, और ना इतना ही निकलते हैं। अब शाम का टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं, जैसे मैंने इन्हें देखा मैंने टीन पे इधर और सामने रोटी के टुकड़े डाल दिए थे, तो रोटी खा रहे थे और ये अभी खाएंगे और भी जब मैं चला जाऊंगा। जब देखो मैंने और रोटी रखी हुई है इनके लिए, अभी इसे भी तोड़ के गिरूँगा, इनका फुल पेट भर दूंगा मैं। पहले आपको इन्हें दिखा रहा हूँ मैं, फिर इन्हें बाद में डालता हूँ रोटी। इस छत पे भी डाली हुई है मैंने, जहाँ बैठे हैं मेरे से बस 20 फुट दूर हैं, 20 फुट दूर हैं बस। तो देखो व्यू व्यूअर्स, हम इन्हें अपने पिकॉक बुला सकते हैं क्योंकि हम खाना डालते हैं और ये आ जाते हैं। तो नेचर बहुत ब्यूटीफुल है, हमें नेचर की कदर करनी चाहिए, आदमी भूलता जा रहा है इन सब चीज़ों को, कंक्रीट के जंगल खड़े करता जा रहा है, हरियाली काटता हुआ, तो उसकी वजह से बहुत पशु पक्षी जानवर रेप्टाइल्स बहुत चीज़ें ख़त्म हो रही हैं जो आपने कभी देखी होनी है, देखी नहीं होंगी, और इतिहास में कॉपी किताबों में ही रह जाएंगी, बस हमारी आने वाली पीढ़ी ने बस कॉपी किताबों में या टीवी पे या फ़ोन पे देख सकती है, ये नहीं मिल पाएंगे। फिर देख लो इनकी ब्यूटी, इनकी टेल, ये है पिकॉक। तो गाइस इतना ही, अब डेयरी पे जा रहा हूँ मैं, आज घर का व्यू दिखाया था आपको, तो अभी ना रोटी डाल के चलता हूँ मैं, ठीक है, बाय, ध्यान रखना।